何？お前はもう死んでいる。वीडियो को शुरू करते हैं, उससे पहले ये देखना। तो मैं रियलमी का ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ और मैं थोड़ा सा नीचे जाऊंगा और यहाँ पे क्लिक करूंगा लर्न मोर पे, और नीचे जा रहा हूँ और मेरे को ये चीज दिखता है, ये बीच में एड चला रहे यार, क्या प्रोमोट कर रहे हैं पता नहीं क्या। फिर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देखते हैं कि है क्या। असल में एक चाइनीज यूट्यूब चैनल है जहाँ पे मोबाइल, देखो इसमें लिखा भी है ओनली द बेस्ट चाइनीज डिवाइसेस, Xiaomi, Lico, Meizu, OnePlus ईयरफोन्स, और यहाँ पे मतलब दिखाया जाता है कि कैसा अनबॉक्सिंग करना है, क्या करना है, जैसा ठीक कैसा करना है। पर फिर मेरे को लगा कि अपने मतलब कुछ प्रॉब्लम है अपने जीमेल में या कुछ एड्स सब करा, तो मैंने सोचा कि इनकॉग्निटो में जाके सर्च करते हैं। तो इनकॉग्निटो में भी मैंने रियलमी का वेबसाइट खोला, वहाँ पे भी देख सकते हैं क्लियरली यहाँ सलमान खान का प्रमोशन है, ये सब है, और नीचे यहाँ पे एक एड बड़ा बड़ा। तो आप सबको पता लग गया होगा कि Realme 6 एंड 6 Pro का लॉन्च डेट कंफर्म हो चुका है, दिल्ली में हो रहा है और उसके टिकट्स भी आ गए। और एक बात बताऊं, इसके ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा स्पेसिफिकेशंस भी लीक हो गए। इस वीडियो में बात करेंगे Realme 6 एंड 6 Pro के बारे में, और मैं आपको एक प्रॉमिस देता हूं, Realme 6 को हम खरीदेंगे और बहुत सारी वीडियोस आएगी, रिव्यू वगैरह करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शुरू करता है। Realme 6 एंड Realme 6 Pro दोनों को ही प्रो कैमरा स्मार्टफोन बताया जा रहा है, जिसका मतलब यह है और अभी तक 99% कंफर्मेशन यह है कि दोनों में आपको 64 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिलेगा। पर डिफरेंस ये होगा कि जो Realme 6 होगा उसमें सैमसंग का सेंसर होगा और Realme 6 Pro में आपको सोनी का सेंसर देखने को मिलेगा, जो भी सेंसर हो। जबकि हमें पता है कि सैमसंग का जो सेंसर है 2019 से यूज हुआ जा रहा है, बहुत स्मार्टफोन्स में देखने को मिला था, पर फिर भी यार 64 मेगापिक्सल अंडर 10,000 इज अमेजिंग। दोनों स्मार्टफोन में आपको 6.44 इंचेस का डिस्प्ले देखने को मिलेगा, और ऐसा बताया जा रहा है कि Realme 6 में पहली बार आपको FHD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलेगा। 10,000 के अंदर हुआ तो अमेजिंग बात होगी, क्योंकि अभी अगर आप देखोगे Realme 3, Realme 5 इन सब में आपको HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलता था, पर Redmi Note 8 ने ये जो बैरियर है वो थोड़ा और उसमें FHD प्लस देखने को मिला, वो मतलब अमेजिंग बात है Redmi की तरफ से। और अगर हम बात करें Realme 6 Pro की, इसमें आपको देखने को मिलेगा 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले। अब ये कंफर्मेशन नहीं है कि ये एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले होगा या IPS LCD डिस्प्ले होगा, मेरा तो बेट ये है कि IPS LCD ही देंगे, पर अगर IPS LCD भी हुआ 90 हर्ट्ज बहुत लोगों को खुश करने वाला है, स्पेशली गेमर्स को काफी ज्यादा खुश करने वाला है। और अगर हम कैमरा सेटअप की बात करें ऊपर की तरफ, तो दोनों में आपको पंच होल कैमरा देखने को मिलेगा, तो मेरे को पंच होल थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगता है, तो मैं इस बात से काफी ज्यादा खुश हूँ। और सरप्राइजिंग बात यह है कि Realme 6 Pro में आपको डुअल पंच होल कैमरा मिलेगा, और जो दूसरा पंच होल कैमरा है वो अल्ट्रा वाइड है, मतलब एक यूज है उसका, ऐसा नहीं कि पोर्ट्रेट दे दिया जो सॉफ्टवेयर से भी मतलब अचीव कर सकते थे, अल्ट्रा वाइड दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कैमरा सेटअप के बारे में मैंने पहले भी बोल रहा था, दोनों में आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा, एक में सैमसंग का सेंसर, एक में सोनी का सेंसर, और बाकी तो आपका नॉर्मल है, एक अल्ट्रा वाइड दे देंगे। और इस बार बताया जा रहा है कि सुपर मैक्रो देंगे, मैक्रो नहीं सुपर मैक्रो, तो ये अच्छा लगा। उसके बाद अपना एक नॉर्मल पोर्ट्रेट का होगा, तो चार कैमरा पीछे हो गया, और सामने आपको एक जगह आपको मेरे हिसाब से इस बार 16 मेगापिक्सल का कैमरा दे सकते हैं Realme 6 में, और Realme 6 Pro में भी उतना ही होगा। और आपको एक डुअल कैमरा भी देखने को मिलेगा जो एक अल्ट्रा वाइड सेंसर है सामने की तरफ। अल्ट्रावाइड सेंसर का काफी ज्यादा यूजेस है, मतलब अगर आप ग्रुप सेल्फीज लेना चाहते हो, जिसे पहले ग्रुपीज कहा जाता था, सैमसंग ने मेरे हिसाब से इंट्रोड्यूस किया था, तो वो फीचर भी आपको देखने को मिलेगा, ये अच्छा लगा। और स्लो फीज भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि इन्होंने Realme X50 Pro में सामने की तरफ आपको 120 फ्रेम्स पर सेकेंड में स्लो मोशन दिया था, इसमें भी हो सकता है, मेरा गैस है, देखते हैं होगा कि नहीं। अगर मैं आपको बताऊं प्रोसेसर के बारे में, तो Realme 6 Pro में आपको देखने को मिलेगा Snapdragon 720G या 730G, मेरा बेट तो है कि 730G देखने को मिलेगा, और अगर ऐसा हुआ तो Poco X2 को बहुत नुकसान हो सकता है, क्योंकि मेरे हिसाब से इसका जो प्राइसिंग है उसे 1,000 रुपये कम ही करेंगे ऐसा लगता है, तो देखते हैं कि क्या होगा। और Realme 6 में आपको G90 बताया जा रहा है, और ये लगभग 99% कंफर्म्ड है, अगर G90 हुआ मतलब ये ट्रेंड जो है ना मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। अभी जो कंपनीज क्या है ना, मिड रेंज में आपको MediaTek के प्रोसेसर्स दे दिए, पहली बात MediaTek के प्रोसेसर थोड़े सस्ते में मिल जाती है, और आजकल MediaTek ने काफी ज्यादा इंप्रूव भी कर दिया, और उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, लैग्स भी नहीं हो रहा है, और आजकल ना काफी ज्यादा सपोर्ट भी मिलने लग गया है MediaTek को। पहले ऐसा होता था कि कस्टम रोम्स का सपोर्ट वगैरह नहीं मिलता था, अब ऐसा नहीं है, अब MediaTek भी मतलब काफी ज्यादा इवॉल्व कर चुका है, और मतलब एक बताऊं एक लेवल अचीव कर चुका है जहां पे कंपनीज काफी ज्यादा ट्रस्ट करने लग गई। अगर आप देखोगे Redmi Note 8 Pro उसमें आपको G90T देखने को मिला था, एक काफी ज्यादा रिस्की चॉइस था, पर देखो कितना ज्यादा सक्सेस मिला, कितना ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर था, तो मेरे हिसाब से ये चॉइस मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लगा। और अगर 10,000 के अंदर आपको G90 मिलेगा तो यार मतलब एक ड्रीम है, आपको एक 10,000 रुपये के अंदर आपको कैमरा स्मार्टफोन भी मिल रहा है, और गेमिंग भी आप बढ़िया कर पाओगे, क्योंकि डिस्प्ले FHD+ हो गया,
G90 हो गया, पावरफुल परफॉर्मेंस, तो यार एक ड्रीम कम ट्रू कह सकते हैं। अगर हम बात करें कि डिजाइन कैसा होगा दोनों का, तो ये मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा सा इन्होंने ज्यादा काम नहीं किया, क्योंकि नॉर्मल सिंपल ग्रेडियंट डिजाइन देखने को मिल रहा है, पर बताया जा रहा है कि दोनों ही ग्लास हो सकता है, और लगभग 90% कंफर्मेशन मान के चलो कि दोनों ही ग्लास हो सकता है। और अगर मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड तब रहूंगा अगर Realme 6 जो है वो भी ग्लास बैक के ज्यादा है, क्योंकि वो वही स्मार्टफोन है जो हम खरीदेंगे रिव्यू वगैरह के लिए, तो ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज हो सकता है। फाइनली प्राइसिंग के बारे में, अगर Realme 6 का अगर प्राइसिंग मैं गेस करूं तो 10999 11,000 का हो सकता है, 10,000 का भी कर सकते हैं, कंफर्मेशन नहीं है, पर मेरा जो हाई गेसेस है वो ये है कि 11,000 का होगा, और Realme 6 Pro का 14,000 या 15,000, ये मेरा गेसेस है। इस प्राइस रेंज में काफी अमेजिंग चीज मिलने वाला है आप सबको, और मेरे हिसाब से आजकल जो है Realme थोड़ा सा अच्छा काम करने लगे हैं, उनके X50 Pro भी मेरे को काफी ज्यादा पसंद आया, और इस बार 6 Pro भी काफी ज्यादा पसंद आया। एक्साइटेड हो कि नहीं Realme 6 के कवरेज के लिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्या क्या वीडियो मैं उस पर बनाऊं ये भी बताना कमेंट सेक्शन में, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और सब्सक्राइब किया करो यार, चैनल पे रेगुलरली वीडियोस आती है, Realme C3 का भी कवरेज देख लेना। अगले वीडियो मिलते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।